देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जनादेश दिया है कि वे राष्ट्र का संचालन करें और प्रधानमंत्री पद के दायित्वों का निर्वहन करें, न कि धर्मगुरु का किरदार निभाएं। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी गरीबों के घर भी इनकम टैक्स का रेट कराएं ताकि गरीबों की स्थिति भी आम जनता के सामने उजागर हो सके। आगे उन्होंने डॉक्टर इरफान अंसारी को मंत्री पद संभालने की शुभकामनाएं दी। उक्त बातें पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कही। जनता मोदी को हुक्म दिया है सरकार चलाने के लिए, धर्म चलाने के लिए नहीं दिया है। धर्म चलाने के लिए धर्मगुरु लोग हैं, वो धर्म चलाएंगे। आपको हुक्म दिया है अब देश चलाओ, सरकार चलाओ ठीक से। और जिन वादों को आपने पहले किया है 2014 में जो वादे किए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो आपकी खटिया बहुत जल्दी खड़ी होने वाली है। आपको लोग अब चाह नहीं रहे हैं, आपका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है, इसलिए मैं साफ कहूँगा कि आप अपना ग्राफ थोड़ी सी अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो महंगाई पर रोक लगाइए, पेट्रोलियम गैस डीजल का दाम घटाइए, महंगाई कम करिए, बेरोजगार लड़कों को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, और किसानों की के बारे में जो आपने वादा किया था कि आपकी आमदनी दोगुना हम कर देंगे, उस वादों को पूरा करें। आपका वो तभी कुछ आपके बारे में लोग सोच सकते हैं, अन्यथा आप तैयार रहिए राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के सामने आप टिक नहीं सकेंगे आप। झारखंड में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, डॉक्टर इरफान अंसारी को एक बड़ी जवाब दी गई है, ऐसे में क्या लगता है आने वाले दिनों में चुनाव भी नज़दीक है, क्या स्थिति बनेगी सर गठबंधन की? कम समय में ये जिम्मेवारी डॉक्टर इरफान जी लोग और जो भी मंत्रिमंडल में लोगों को मिला है, दो तीन मंत्रियों को नए मंत्रियों को मिला है, कम समय में उनको कुछ करके दिखाना है और एक साफ सुथरे ढंग से जो हेमंत सरकार की जो एजेंडा है उसके मुताबिक आपको काम करना है, यही हम डॉक्टर इरफान से उम्मीद करते हैं। चीज़ एक नई चीज़ बात मैं कहना चाह रहा हूँ, अभी एक नई बात आई है कि इनकम टैक्स छापा जो मारते हैं, कभी गरीबों के यहाँ भी छापा मारें, देखें कि उसके गरीब के घर कैसे चल रहा है, उसका घर में कितनी आमदनी है, तब पता चलेगा। और वही संदेश मोदी जी को दे दें कि गरीबों के यहाँ भी छापा मारे थे, उनके घर की आमदनी इतनी है और उनके घर कैसे चल रहा है, ये सही आंकड़े हैं। बड़े आदमी के यहाँ छापा मारते ही हैं, मरवाते ही हैं, तो भाई गरीबों के यहाँ भी छापा मारे हैं आप, मरवावें। मोदी जी से मैं आग्रह करूँगा।